आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए आदर्श आचार संहिता के कड़ाई से पालन करने के लिए बेटमा पुलिस और आईटीजीपी फोर्स के संयुक्त रूप से बेटमा थाना क्षेत्र के अति संवेदनशील और संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रूपेश कुमार त्रिवेदी, देपालपुर एसडीओपी राहुल खरे, बेटमा थाना प्रभारी संजय सिंह और आईटीजीपी फोर्स के जवान शामिल हुए। थाना प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में लोग निर्भक और निष्पक्ष रूप से मतदान कर सके, जिन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और अराजकता फैलाने वाले, चुनाव को अकारण प्रभावित करने वाले लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी। बेटमा पुलिस और आईटीजीपी की टीम ने बेटमा थाना क्षेत्र के ग्राम काली बिल्लौद और घाटा बिल्लौद, जीवन ज्योति और बेटमा नगर के कई क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकालकर साथ ही नगर वासियों को उन्हें आदर्श आचार संहिता का पालन करने की हिदायत भी दी। सुनील मुनिया की रिपोर्ट। आज थाना बेटमा में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ग्रामीण श्री रूपेश कुमार द्विवेदी सर और एसडीओपी देपालपुर श्री राहुल खरे सर के नेतृत्व में आईटीबीपी के फोर्स और थाना बेटमा के फोर्स द्वारा नगर में फ्लैग मार्च का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। नगर में यह फ्लैग मार्च निकालकर आम जनता को यह संदेश दिया गया कि चुनाव में निर्भीक होकर निष्पक्ष रूप से मतदान करें और अधिक से अधिक मतदान करें। इस आदर्श आचार संहिता के दौरान यदि किसी व्यक्ति द्वारा है या अराजकता फैलाई जाती है तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, और इस तरह से अवैध गतिविधि करने वाले और अराजकता फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, उसके विरुद्ध सख्त से सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस संदेश के साथ में जो है नगर बेटमा में, काली बिल्लौद में, घाटा बिल्लौद में और जीवन ज्योति कॉलोनी क्षेत्र में फ्लैग मार्च का निकाला गया, और इस फ्लैग मार्च के साथ में यह भी संदेश दिया गया कि आम जनता जो है ज़िले में लागू आदर्श आचार संहिता का पालन करे और निर्विघ्न रूप से आगामी चुनाव को संपन्न करावे।